अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब अलहमदिल्ला मैं एकदम ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जो झाड़ू वाली राबिया काणी ने जो बोली है कि साजिद ने ये बोला है कि हमारे लिए बात नहीं करो और हमारे मैटर में मत पढ़ो हम लोग हमारा देख लेंगे तो इससे पता चलता है कि लोगों को कॉन्टेंट है ना किसी और के साथ में शेयर नहीं करना है जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है इसकी इसकी बच्ची के बारे में एक आदमी आके जो बातें कर रहा था तो वो कंटेंट का भी लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाए थे जबकि एक बंदे ने बोला भी था कि इसको पीछे से तो समझा देता हूँ कि ऐसी सारी बातें ना करें आगे भी कुछ गंध आने वाला है तो उसको रोक सकते हैं तो कंचू ने बोला था कि नहीं नहीं रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है वाई पे आने दो और वाई पे ही हम जवाब देंगे कॉन्टेंट है कॉन्टेंट तो इसी तरह से जो लोग इनकी सपोर्ट में आज भी बात कर रहे हैं ना तो देख लो इन लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये गंध खत्म हो इन लोग खुद है ना हर एक चीज़ को कंटेंट बनाते हैं ड्रामा करते हैं और इन लोग कंटेंट और व्यूज़ के लिए इतना गिरते हैं बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बाकी यहाँ इस बात को लेके भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि नैना के, के दुबई का ट्रिप को लेके और दूसरा अम्मा के सऊदी से आने को लेके तो नैना के ट्रिप का मैंने लाइव में भी क्लियर की थी कि ये दुबई या सऊदी सऊदी तो खैर ये नहीं जा रही है मेरे ख्याल से हाँ दुबई जाएंगी ना तो ये कोई और काले पीले काम के लिए जा रही है ये यहाँ पे बोल के जा रही है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ लेकिन नहीं ये जॉब करने नहीं जा रही है ये अपने कोई गलत काम के लिए जा रही है वो काम हो जाएगा उसके बाद में ये बोल देंगी कि मुझे वहाँ पे सैलरी नहीं जमी ये नहीं जमा वो नहीं जमा बच्चे की याद आई अम्मा की याद आई हस्बैंड की याद आई और इस तरह से बहाना करके ये वापस आ जाएंगी तो आप लोग समझ जाना के जो समझ रहे हो ना पिटारा जाती है जो उस काम के लिए गई हुई तो ये बात हो गई क्लियर बात करते हैं अब अम्मा की के अम्मा सऊदी से आने वाली है आप लोगों ने देखा था जब इसकी अम्मा यहाँ से जा रही थी ना तो पिटारा ने बहुत ही खुशी खुशी भेजी थी और जिस तरह पिटारा हमेशा अम्मा के लिए रोती है जाने के बाद में ड्रामा कर रही थी शुरू शुरू में तो इस बार उसने ऐसा कोई भी ड्रामा नहीं की कुछ भी नहीं की क्यों क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि वो जो विजिट वीज़ा होता है ना छः महीने का या जो भी था आठ महीने का या जो भी तो वो उसके लिए गई है और वो ख़त्म हो जाने के बाद में ना फिर अम्मा इधर आ ही जाएंगी क्योंकि इकामा तो इनका लगना नहीं है इकामा तो इनको मिलना नहीं है तो वापस आना इनकी मजबूरी है तो आएंगे कुछ टाइम के लिए फिर से विजिट लगाएंगे और फिर से वापस चले जाएंगे तो वो लोग पिटारा के लिए नहीं आ रहे हैं अब वहाँ पे उनका रहना सहना है ना थोड़ा सी मुश्किल है वो वजह से उन लोग आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मैंने लाइवों में भी पूछी हूँ मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की हूँ तो साठ साल से ऊपर के बंदों को फिर वहाँ पे नहीं मिलता है रहने की अनुमति नहीं है तो इसके लिए फिर उन लोगों की मजबूरी है वापिस आ जाना बाकी आप लोग ये भी सोचो कि ये जो एक साल हो गया है एक डेढ़ साल हो गया इसकी अम्मी अबू आ रहे है जा रहे आ रहे जा रहे मेरे को लगता है इनका इकामा ना बहुत टाइम हो गया है खत्म होके और ये लोग है ना जान बुझ के आके इकामा इकामा करके बातें करते हैं ताकि लोग इनकी हेल्प करें इनको फंडिंग दे और ये बेचारे बन के लोगों को ठगे और ये मेरे को लगता है दो साल से चला आ रहा है ये सारा कुछ क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था दो बार आए गए फिर अभी ये साल फिर से इसकी अम्मी गई फिर रिटर्न आ रही है तो ये सारा कुछ मुझे लगता है आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताना बाकी अगर ये सारी बातें है ना तो मुझे अफसोस है असगर के ऊपर के वो अपने बाप को क्यों नहीं रोक रहा है कि वो सिलाई करते हुए अम्मी दिखा रहा है हमें कामे के पैसे चाहिए और हमें जाना है प्लीज़ सब्सक्राइब करो शेयर करो ये क्या जलालत मचा के रखे और असगर है कि रोक भी नहीं रहा इन लोगों को तो रोकना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि इतनी जो बना हुआ था ना कि सारा कुछ इन लोग ही कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं माँ बाप के लिए तो फिर अब इन लोग माँ बाप बैठ के वो मियाँ बीवी की इज्जत की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे और उन्हीं के घर में बैठ के धज्जियाँ उड़ा रहे तो फिर उन लोग रोक क्यों नहीं रहे तो यहाँ पे मैं इन लोगों की गलती मानूंगी सलमा की भी गलती मानूंगी कि वो असगर को बोल के इनका ये गंद काम है ना बंद करवा सकती अब जाहिर सी बात है कोई ये तो नहीं बोल सकता कि सलमा को नहीं मालूम है नहीं मालूम तो होगा ना क्योंकि ये थमने लगाना टाइटल लगाना ये सब कुछ नहीं आता है अंकल को तो बच्चे ही लगा के दे रहे तो बच्चे लगा रहे तो पता तो होगा तो मैं यहाँ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो गंद कर रहे हैं ना इनके अबू तो ये ना करे हो गई ये बात भी क्लियर अब बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रामा चला है ना जो पिटारा ने जो जितना भी ड्रामा किए इसके चलते इसकी अम्मा ने भी कुछ नहीं बोली जबकि या, जबकि ये या आके इतना रो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने ये किया कौशल ने ये की पूरी पूरी वीडियो में सत्ताईस मिनट की वीडियो में कहीं पे इसने अम्मा को याद नहीं की और अम्मा को भी याद नहीं आई बेटी इतना रोना धोना करके गई बेटी इतनी दुखी थी अम्मा रोना धोना नहीं की अम्मा ने कॉल नहीं की अम्मा ने दुआएं नहीं मांगी ऐसे तो फ्लाइट में बैठती है बेटी और फ्लाइट जरा सी हिल डुल होती है तो अम्मा की कॉल आ जाती है अम्मा दुआएं मांगने बैठ जाती है अम्मा की साथे ऊपर नीचे होने लग जाती है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए लेकिन बेटी ने आके वाइटी पे बैठ के इतनी सारी बातें करके इतना दुख जता के गई और अम्मा ने कुछ नहीं बोली अम्मा की तरफ से वीडियो नहीं आया चलो अम्मा ने तो अपना इजहार गम करना चाहिए था लेकिन अम्मा ने भी कुछ नहीं की क्यों ने की अब मैं बताती हूँ जब इनकी खुद की गलतियां होती है ना तब इन लोग वीडियो नहीं बनाते है किसी के ऊपर गलती मीन्स गलती तो खैर हमेशा ही होती है लेकिन जब बहुत बड़ी गलती होती है बहुत बड़ा जब कांड हो जाता है ना इसकी बेटी से बिल्लो की बेटी से तब तो इन लोग है ना फिर वीडियो नहीं बनाते हैं इन लोग सिंपत्ति नहीं देते बेटी को याद होगा आप लोगों को जब कौसर का और पिटारा का जो भी हुआ था इसका बच्चे के गुजरने के टाइम पे जो भी बातें निकल के आई थी और हमने बताए थे कि इसके बच्चे कौसर को मारा गया है और लात लात से इसके पेट में मारा गया है ये वो सारा कुछ जो भी था सच जो भी सच हमने बताए थे इसके बाद में इसकी माँ का कोई रिएक्शन नहीं आया था बल्कि इसके खानदान में से किसी का नहीं आया था हाँ जब बच्चा गुजर गया उसके बाद में फिर सभी ने वीडियो बनाए दुख जताने के लिए और अभी है ना फिर से वही हुआ है ये जो मैंने बोली थी ना लाइव में वो बात सच है आज़ादी वाले दिन जो ये बोल रही थी कि मैंने कौशर को बुलाने भेजी थी और कौशर नहीं आई थी तो ऐसा नहीं हुआ है गोचू उसको लेने भी गया था और कौसर आई भी थी और उसके आते ही पता नहीं ये पागल औरत को जो भी हुआ ना उसकी वजह से ये पागल औरत ने उससे झगड़ा की गोचू से और फिर बोली कि इसको यहाँ से लेके जाओ इसको छोड़ के आओ पता नहीं गोंचू को आने में लेट हो गया था या कोई चीज़ मंगाई थी नहीं लेके आया या जो भी था और उसकी वजह से फिर उसने गोंचू का गुस्सा कौथर के ऊपर निकाली और उसके साथ में मारपीट की इसने और उसके साथ में झगड़ा की ये सारा कुछ करने के बाद में कौथर फिर लेके चला गया गोंचू ने उसको इसने भगा दी कौथर को और फिर बाद में लोगों ने ये सारा कॉन्टेंट बनाए कॉन्टेंट बनाने के बाद में फिर इतने एंड में बैठ के झूठ बोली कि कौसर नहीं आई थी ये हुआ था वो हुआ था घोंचू ने कौसर को लेके आने की वीडियो भी बनाया था लेकिन बाद में वो क्लिप उसने ऐड नहीं किया थोड़ी सी क्लिप ऐड किया जहाँ पे कौसर रेडी थी आने के लिए लेकिन कौसर को लेके आया घर में एंट्री वगैरह ये सब क्लिप उसने डिलीट कर दिया उसने वीडियो में ऐड ही नहीं किया तो ये सारा कुछ हुआ था और कौसर के साथ में फिर से इतने वही सारा कुछ की है जब कौसर के पेट में इसका बच्चा था उसके साथ में जो हुआ था ना वही सारा कुछ कौसर के साथ में फिर से हुआ है और ये बात है ना इसके खानदान वाले करेंगे ही नहीं सिंपत्ति देंगे कल को ये बात उठेंगी तो फिर से पता चलेगा और अब तो वो सपोर्टर नहीं रह गए जो छदरे डालते थे और कपड़े डालते थे इसके ऊपर उनको पता चल जाएंगी तो फिर से पिटारा की तो अच्छे से बजेंगी अब तो पहले तो चलो हम थे ना हम सच बताते थे और वो लोग बैठ के पर्दे डालते थे लेकिन अब कौन पर्दा डालेगा अब तो हमारे साथ साथ वो लोग भी सच बोलेंगे तो इसके लिए ना ये बात को इसने ना ख़ानदान वालों को मतलब इस तरह से बोल दी कि हमारे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि राब् काणी को बोली और इसको पता भी है ना कि सब जने इसका नाम ले लेके व्यूज़ खाते हैं और ये कितनी जल है ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यूज़ खाए इसका नाम कोई यूज़ करे इसको जब ज़रूरत थी उनके सहारे की सलमा को गिराने के लिए तब वो लोग बैठ के इसका सपोर्ट कर रहे थे तो ये किसी को नहीं मना करती थी ये बराबर उनको अप्रिशिएट करती थी उनका नाम ले ले कर थैंक यू बोलती थी लेकिन अब इसको वो चीज़ों की ज़रूरत है नहीं और इसके नाम से किसी को व्यूज़ ये भी इसको नहीं चाहिए तो अब इसने मना कर दी कि हमारा नाम मत लो हमारे मतले मतलब हम खुद देख लेंगे तुम लोग जाओ अपना काम करो तो इतनी ये कोई जलकुकड़ी और इस तरह की ये कोई औरत है बाकी एक बंदा है कोई जो पिटारा का ऋतिक रोशन है वो मरे जा रहा है कि हाँ गोचु को बाइकट करो गोचु ने ये कर दिया वो कर दिया पिटाराबाजी पिटाराबाजी हो बेचरम तू है बेशरम। ना तेरे काम से काम रख तू तो इतना बड़ा कोई नल्ला और दल्ला है ना जिसकी कोई हद नहीं है मैं शुरू में समझती थी ना ये आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है मतलब इज्जतदार आदमी है लेकिन जब इसको पिटारा ने चैनल दिखाई कश्मीर ले जाके उसके बाद से ये जो खुल के सामने आया है ना ये मैं बोलती हूँ ना डीडी और ये सेम जैसे आया बड़ा तू फिकर करने वाला है तेरे को फोन करके बोली ये पिटारा ने कि तू भाक मेरे लिए तेरा काम कर बे शर्म इतने लोग कुछ बेशरम है ना इतने घटिया है ना वो तो तुम लोगों का नाम भी नहीं लेती है मरते रहते हो तुम लोग तुम लोगों का जिक्र तक के नहीं करती है वो तो कुछ पड़ी ही नहीं है तुम लोगों की तुम लोग कल मरते आज मर जाओ ऐसी है वो अभी भी और राबिया काणी की कौन सी रिश्तेदार का वो जो केस चल रहा था ली इसने जरा भी नाम जरा भी सिंपत्ति दिखाई नहीं ना ये इसी तरह की है ये इसको कुछ नहीं पड़ी है लेकिन ये जो लोग बेशरम है ना ये और वो उसका ऋतिक रोशन पिटारा था ये बेशरम मुंह उठा उठा के आ जाते पिटारा के साथ जुलूम हो गया ये हो गया वो हो गया तो एक काम करना ना तू कर ले निका खुश रख उसको सर पे लेके घूम निकाल दे तेरी बीवी को घर से आया बड़ा सिंपत्ति देने वाला सच्ची में लोग को शर्म नाम की चीज नहीं है चलो उसकी बीवी बैठ के सिंपत्ति देती इसका सपोर्ट करती तो अलग बात है ये बैठ जाता है बार बार सिंपत्ति देने के लिए जरा भी इनके अंदर शर्म नहीं है बेसरमों के तो देखो अभी क्या होता है क्योंकि जो मैंने बताई हो वो सारा कुछ हुआ है कौसर के साथ में मार तोड़ भी हुई है पिटारा ने फिर से एक बार उसके ऊपर हाथ उठाई है उसको मारी है और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि कौसर जाएंगी गाँव और इसको वैसे भी चाहिए क्योंकि अम्मी के आने का टाइम हो रहा है तो कौसर का काम ख़त्म हो रहा है अब अम्मी को कंटेंट बनाया जाएगा फिर जब रमज़ान शरीफ आएगा ना मतलब हमारे रमज़ान का महीना आएगा अपने तब फिर इसको कौसर की ज़रूरत पड़ेगी इफ्तारी बनाने तयरी बनाने तो फिर ये ठीक हो जाएंगी फिर से लेके आ जाएंगी लेकिन अभी तो कौतर बुरी हो गई है ना वैसे इसको दौरे पड़ते रहते हैं कभी बोलती है हम लोग के बीच में सब अच्छा हो गया है कभी बैठ के उसके खिलाफ वीडियो बना देती है इतनी कोई गिरी हुई औरत है तो देखते हैं आने वाले कल में ये क्या ड्रामे करती है क्या कंटेंट लेके आती है और कौशर किस तरह से कराची जाती है तो वो देखने के लिए बड़ी मजा आएंगी बाकी पिटारा की वीडियो नहीं आई सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वीडियो नहीं वीडियो नहीं आई आप लोगों को पता ही है जब तो सलमा वाला भी ये सारा कुछ आया हुआ था तभी भी पिटारा बारह दिन के लिए गायब थी लोगों को लग रहा था बड़े ही गम में है हाँ बेचारी गमों से गुजर रही है इसके लिए वीडियो नहीं डाली बाद में क्या पता चला कि वो तो अपने घर के लिए शॉपिंग कर रही थी अपना घर सेट कर रही थी अपना घर शिफ्ट कर रही थी तो अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तरस आ रहा है कि बेचारी ने वीडियो नहीं डाली देखो उसके साथ में इतना जुलूम हो गया वो वाइटिंग पे नहीं आ रही है और वो गमों से गुजर रही है तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे कोई ना कोई कांड चल रहा होगा जो कि आ जाएगा सामने जैसे पिछली बार आया था और सिंपति भी तो चाहिए ना वीडियो नहीं डाल के पीछे जो कांड कर रही है वो कांड कर लेंगी इसके बाद में आके बोल देंगी कि कौसर ने बदुआ दे दी और कौसर ने अपने अब्बू को बुलाई उसके अब्बू आए थे बदुआए दे के कौशर को लेके चले गए साथ में गोंछू भी गुस्सा हो गया दो दिन से घर पे नहीं आया है जबकि लोग इसके ही खानदान वाले ये खबर दे रहे हैं के गोंचू को गोंचू घर छोड़ के चले गए अब बताओ कि पिछली बार भी इसका और गोंचू का कुछ झगड़ा हुआ था तब भी इसने क्या की थी इसने बोली थी कि गोंचू है ना गाड़ी की चाबी घर में रख के और घर में से निकल गए और ये बोली भी थी कि गोंचू ने बोला कि सब तुम्हारा है मेरा कोई हक नहीं है तो मैं तो जा रहा हूँ मतलब कि जब भी कुछ होता है ना तो पिटारा सारा कुछ उससे छिन्ती है मतलब कि गाड़ी की चाबी वगैरह और उसको घर से निकाल देती है तो उसकी इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं है कि वो कुत्ते घर में रहे या घर से चला जाए पिटारा देते बोलती है ना मेरी कमाई मेरी कमाई मेरी कमाई तो बहुत ज़्यादा घमंड है इसको उसकी कमाई के ऊपर जिसके चलते ना वो गोचू को घर से निकाल देती है वो उससे गाड़ियों की चाबी वगैरह छीन लेती है तो गोचू घर से नहीं जाता है ये घर से निकालती है इसको बाकी मैंने पहले ही बोल दी थी कि जब ये पीछे कोई कांड कर रही होती है ना कोई बड़ा सा कांड हो रहा होता है ना तो ये इसी तरह से ड्रामा करके ना लोगों से छुपाती है यह आगे कोई और कंट्रोवर्सी लाती है ताकि लोगों का ध्यान है ना भटका सके या आगे लेकर आ गई कि कौसर से झगड़ा हो गया गोंचू ने ये कर दिया कौसर ने वो कर दी लोगों का सब का ध्यान लग गया कौसर और गोंचू के ऊपर इनके झगड़ों के ऊपर और पीछे कोई ना कोई बड़ा कांड हो रहा होगा जिसके ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए इसके लिए इसने ये गेम खेली लेकिन ये पिछली बार भी ये गेम खेली थी बहुत बार ये गेम करती है लेकिन जो सच होता है ना वो फिर भी पता चल ही जाता है तो इनशा ये बार भी जरूर पता चलेगा बाकी आप लोग खुद बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि ये को घर से निकाल दी होंगी मुझे तो हती आती है इनके खानदान वालों के ऊपर इतने कोई वो बेशरम और क्या ही बोलू इतने गिरे हुए लोग है ना कि खुद ही बैठ के कुछ ना कुछ कहानियां बना लेते हैं बाद में फिर इन लोग आते बोलते नहीं आती तो कोई बात नहीं थी आके खुल्लम खुल्ला अपने खानदान वालों को अपने रिश्तेदारों को जूठा साबित कर देते फिर भी वो मुंह उठा के अगली बार फिर से आ जाते है इसको सिंपत्ति देने के लिए समझ के बाहर है भाई के तुम लोगों के पास में तुम लोगों का अपना जो मुद्दा है वो लेकर क्यों नहीं आते जरा कि पिटारा का कुछ हुआ नहीं क्या आ जाते हैं सिंपत्ति देने पिटारा के साथ बड़ा जुलूम हो गया गोंचू ने बहुत गलत कर दिया ये कर दिया वो कर दिया गोंचू तेरे पे भी लख दी लानत है बैठ के जलील होते रहता है गालियां खाते रहता है ऐसे ऐसे लोगों से जिसको तू सामने रहता है ना तो ऐसा समझता है कि मैं कोई चीज हूँ ये तो मेरे सामने कोई चीज नहीं है जिसको तू कोई चीज नहीं समझता है ना पिटारा उन लोगों से तुझे जलील करवाती है इतना तू बेशम है और चुपचाप जलील होता भी बाकी अभी अगली बार आएंगी तो क्या करेंगी आप लोग समझ सकते हो पीछे जो कांड हो रहा है ना वो सारा कांड खत्म होने के बाद में आएंगी बोलेंगी कि किचू ने मेरे साथ में बड़ा जुल्म किया मेरे से झगड़ा किया चला गया फिर कौसर का बाप आया फिर उसकी माँ आई मुझे बदवाएँ दिए कौसर को लेके चले गए मुझे बदनाम करके चले गए जब भी कौसर को भगाना होता है ना तो ये इसी तरह से बातें करती है अब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है अचानक से कौसर जाएंगी गाँव रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तो लोग तो सवाल करेंगे ना कि अचानक से क्यों चले गई तो झगड़ा करना तो बहुत जरूरी था ताकि लोगों को पता चले कि कौसर बहुत गंदी है कौसर बहुत जुलुम्गार है तो कौसर ने झगड़ा कर ली तो कौसर की माँ आई बतवाए दी चली गई लेके तो ये करना भी बहुत जरूरी था ना जो पिटारा के पैटर्न है ना पहले से जो चले आ रहे वो सारे कुछ याद है बाकी जो बात मैंने बोली हो ना कि कांड पीछे जो कांड हुआ है वो छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा हुआ है तो वो कांड पक्का पक्का हुआ है अब वो क्या कांड है ना बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलें कोई घर वगैरह का कांड है या किसी से कुछ हुआ है इरफान के साथ में या रमजान के साथ में या किसके साथ में कौन सा इसने कांड कर दिए जो घर तलक के आ गया है खुल गया है वो कांड और उसको छुपाने के लिए पिटारा इतना ज्यादा गिरी है तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ भी जरूर पता चलेगा बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना वरना पिटारा है ना वो एक दिन का भी वीडियो मिस नहीं कर सकती है उसके अच्छे खाते सौ डेढ़ सौ दो सौ डॉलर का भाई नुकसान होता है और वो नुकसान है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वीडियो नहीं डालने के पीछे है ना कोई बड़ा मकसद होता है ना जैसे कि सौ डेढ़ सौ डॉलर से ज़्यादा मुनाफा रहता है तो ही ये वीडियो को स्किप करती है वरना तो ये रोज आ जाती है और सिम्पत्ती भी लेंगी रोना धोना भी करेंगी मोटी मोटी आके करेंगी और आएंगी ये जाच को याद करके रो लेंगी और बोलेंगी याद तो मुझे अबू की आ रही थी फिर ये भी बोलेंगी कि मैं तो आना ही नहीं चाहती थी वाइटी पे अम्मी की कॉल आई थी अम्मी ने मुझे बहुत हौसला दी अम्मी ने बोली अपने बच्चों के लिए तुम्हें करना है तुम्हें इस जमाने से नहीं डरना है देखो तुम्हारे कितने बुरे हालात थे आज तुम यहाँ पे पहुंची हो इतनी स्ट्रांग हो तो ये दुनिया वालों से नहीं डरना है किसी की बातों से नहीं इफेक्ट होना है तुम उठो खड़े हो जाओ अपने बच्चों के लिए लड़ो मुझे बड़ा हंसी आती है इसके ये सारे डायलॉग के ऊपर क्योंकि बच्चों को कहाँ पे टड्ढे लाइन लगाई है वो दिखता है एंजॉय खुद का हो रहा होता है अयाशियाँ खुद की हो रही होती है नाम बच्चों का खराब करके रखती इतनी को ये बेगैरत औरत है वैसे तो बोलती थी सबर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है मैंने बड़ा सब्र की हूँ मैं तो सब्र करती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है ना कि यह औरत जब सब्र की बात करती है ना मुझे इतनी हंसी आती है इसके ऊपर जो औरत ने एक लफ्ज़ किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती है हर एक चीज़ लेके वाइटी पे आती है उनको गालियाँ खिलवाने के लिए उनको बदनाम करने के लिए उनको गिराने के लिए और ऐसी औरत आके जब सब्र की बात करती है ना तो सच में मेरा तो हादसा ही निकल जाता है लेकिन रेडी रहे ना आज या कल में ही वीडियो आएंगी इसकी क्योंकि यहाँ तलक के इसने कम्युनिटी तलक के नहीं लगाई सेम वैसे ही जैसे सलमा के टाइम पे इसने की थी ना सेम वैसे ही हरकत इसने अभी भी की है ना कम्युनिटी लगाई है और ना वीडियो डाली है ना कुछ की है बाकी गोचू की तो भाई सही वाली बजाई है इसने और कोसर की तो वैसे ही बचते रहती है आप लोगों को पता ही है अभी आएंगी सिंपत्ति लेने के लिए बदनाम करके खैर चले रेडी रहना आगे आने वाले कंटेंट के लिए ड्रामे के लिए पिटारा के तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफि